ब्लास्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो हाँ जी दोस्तों, आज आपको बताएंगे पर वीक सैलरी जो बिग बॉस में मतलब बंदे आए हुए हैं, मतलब सबकी सैलरी क्या है। यह शहजाद देओल जो मतलब पंजाब से बिलोंग करता है, इसकी सैलरी तकरीबन मतलब 40,000 पर वीक मतलब इसे बिग बॉस की तरफ से दी जा रही है। और यह है जान कुमार सानू जी के बेटे, और इनकी भी सैलरी मतलब 85,000 पर वीक इन्हें दी जा रही है, बिग बॉस की तरफ से ही इनको सैलरी मिल रही है। और ये राहुल वैद्या और इनकी 90,000 सैलरी है मतलब जो बिग बॉस इनको दे। और ये निकिता तंबोली की 1 लाख सैलरी है मतलब पर वीक की। और ये पवित्रा पुनिया जिसको आप जानते होंगे, बॉलीवुड वगैरह में देखे होंगे, और इसकी सैलरी 1,30,000 पर वीक बिग बॉस की तरफ से इसको दी जा रही है, 1,30,000। और एजाज खान जो कि मतलब ज़्यादातर आपको बिग बॉस में दिख ही रहा होगा, इसका रूप बदलेगा जल्दी, और इसकी 1,70,000 सैलरी है, 1,70,000 एजाज खान की। और ये इनकी सैलरी निशांत सिंह 2 लाख मतलब निशांत सिंह मलकानी की सैलरी 2 लाख है जो पर वीक बिग बॉस की तरफ से मिल रही है। और ये है सारा गुरपाल, तो सारा गुरपाल की सैलरी 2 लाख है मतलब जो बिग बॉस की तरफ से इनको भी मतलब जितने कंटेस्टेंट सभी को बिग बॉस की तरफ से पर वीक सैलरी मिलती है। ये है जैस्मीन भसीन और इनको भी बिग बॉस की तरफ से सैलरी मिल रही है, वो हम आपको बताएंगे क्या सैलरी दे रहे हैं। 2,50,000 है इसकी सैलरी मतलब जो बिग बॉस की तरफ से आ रही है। तो जैसे कि आप दोस्तों जानते हो, ये दोनों कपल काफ़ी फेमस हुए हुए हैं, मतलब टीवी शो के जाने माने एक्टर्स हैं। और ये अभिनव शुक्ला, इनकी भी सैलरी 3 लाख है जो बिग बॉस की तरफ से मतलब इनको दी जा रही है, 3 लाख पर वीक के हिसाब से। और अगला नेम है रुबीना, और ये इस शो की सबसे महंगी मतलब सबसे महंगा पड़ा है बिग बॉस को, इसकी मतलब जो फीस देनी पड़ रही है पर वीक के हिसाब से 5 लाख, अकेला इस रुबीना का 5 लाख है। तो दोस्तों यह बिग बॉस की कंटेस्टेंट की सैलरीज।